मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ भाई विपिन सर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ का पहला टॉपिक रहेगा हमारा एलजेब्रा, ठीक है। तो पहले हम एलजेब्रा की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में एलजेब्रा के क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली जाएगी और उसमें अप्रॉक्स 800 या 900 क्वेश्चन हैं, मतलब 800 या 900 के बीच में क्वेश्चन हैं उसमें एलजेब्रा के। इसके बाद में एलजेब्रा के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, मतलब एग्जाम बाय एग्जाम जो क्वेश्चंस आते हुए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा जो आज का पार्ट रहेगा वो है एलजेब्रा। तो पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा की थ्योरी कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सब जानते हैं इसको, जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से निकल के आता है, वो इधर ध्यान देना कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। इसको जब सॉल्व करोगे तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी ए बी हो जाएगा, b इंटू ए बी हो जाएगा और b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी और ए बी ये कितना हो जाएगा 2ab। तो ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया है अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी, ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी, और जब मल्टीप्लाई करोगे a इंटू ए पॉजिटिव है दोनों ए स्क्वायर होगा, a इंटू माइनस बी माइनस का ए बी होगा और माइनस बी इंटू ए माइनस का ए बी होगा और माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन के आया a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस ए बी और माइनस ए बी मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बना a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है। अगली बात कि भाई एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है तुम्हारा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इस फॉर्मूले को आगे भी बढ़ा सकते हो तुम कि भाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये बनेगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का ये हुआ, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 का अगर पूछ लेता है तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब कॉन्सेप्ट जो है पावर्स को जस्ट आधा करते चले जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तो पावर को आधा किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 का आधा ए प्लस बी और ए माइनस बी। 8 पूछ रहा है तो 8 का आधा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इंटू में बन के आता ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 जो कि ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर तुमसे पूछ लिया ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 तो ये बन के आएगा तुम्हारा a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 इंटू में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। हमें पॉजिटिव तब तक लेना है जब तक सिंगल पावर नहीं रह जाए, जब सिंगल पावर रह जाएगी तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना है। तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 इंटू में 1 प्लस b और a माइनस बी, कि भाई यहाँ तक अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर आ रही थी 2 और 2 का आधा जस्ट करूंगा तो सिंगल रह जाएगी और सिंगल जब पावर रह जाएगी तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तुमसे पूछ लिया a की पावर 64 माइनस b की पावर 64 तो इसको सॉल्व करेंगे a की पावर 32 प्लस b की पावर 32 इंटू में a की पावर 16 प्लस b की पावर 16 इंटू में a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 इंटू में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू में a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 इंटू में a प्लस बी और a माइनस बी, सेम कंडीशन है। अब तक जो SSC ने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा तुमसे a की पावर 128 माइनस b की पावर 128 और जब इसको सॉल्व करोगे तो a की पावर 64
मतलब पावर को जस्ट आधा कर रहे प्लस बी की पावर 64, ये हो गया। इसका जस्ट आधा कर दो, ए की पावर 32 प्लस बी की पावर 32, फिर इसका आधा कर दो, ए की पावर 16 प्लस बी की पावर 16, फिर इसका आधा कर दो, ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, फिर इसका आधा कर दीजिए आगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, फिर आधा कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आधा कर देंगे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं इसके कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था वो ये वाला था। बात आई समझ में? आगे बात करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, एलजेब्रा में, एलजेब्रा से स्टूडेंट्स को एक्चुअल में एडवांस मैथ से स्टूडेंट्स को डर लगता है। डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैथ में सबसे इजी कॉन्सेप्ट जो है वो एडवांस मैथ्स के हैं, लिमिटेड है। और जब एडवांस मैथ जब तुम सॉल्व करोगे तो अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो गया तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आगे, ये केवल तीन फॉर्मूले थे तो हमने एक बार पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूले सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे जब बात करेंगे तो दो फॉर्मूले और बन के आते हैं। दो फॉर्मूले कैसे बन के आएंगे कि इन दोनों को एक बार जोड़ दिया जाए और इन दोनों को एक बार घटा दिया जाए, तो दो फॉर्मूले और क्रिएट होंगे। देखो आगे कैसे, वो देखिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा जोड़ दूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है। ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बनता है 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे नंबर सिस्टम में बहुत यूज होगा। तो एक बार तो ये ऐड करने पर बना है फॉर्मूला और एक बार ये सबट्रैक्ट करने पर बनेगा फॉर्मूला। देखिए अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब मैं माइनस कर रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। माइनस जब हम कर रहे हैं तो इस माइनस से इस वाले ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो अब की बार ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 2ab और 2ab मिलकर हो जाएगा तुम्हारा 4ab। तो ये बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 4ab, ठीक है। जो फॉर्मेट मैं ब्रैकेट में क्लोज करके चल रहा हूँ या बॉक्स में क्लोज करके चल रहा हूँ वो फॉर्मेट हमारा आगे एग्जाम्स में आगे एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, ठीक है। देखिए आगे, क्योंकि हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर मैं 2ab को इधर आके माइनस कर देता हूं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये यूज होता है, ठीक है। अगर वो तुमसे पूछ लेता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2ab को अगर इधर लेके आता हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर बनता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट यूज होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मेट ये बनता है हमारा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है टू इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तुमको दे देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देता है, तो ऊपर वाली जो कैलकुलेशन होगी वो बनेगी टू इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और सॉल्यूशन क्या रहता है हमारा टू। तो ये पॉइंट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो इक्वल्स टू किसके होगा, टू के। ठीक है, वो ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी दे दे या फोर ए बी दे दे। अगर ए बी दिया हुआ है तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा फोर ए बी अपॉन में ए बी, तो बराबर कितना आना है फोर। अगर वो इसकी जगह फोर ए बी कर देता है तो यहाँ फोर ए बी आता, ये भी फोर ए बी आता, तो आंसर कितना हो जाता, एक। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, ठीक है, रटने नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आने लग जाएंगे किस तरीके से हम यूज करते हैं और किस तरीके से दिमाग में ये स्टेबल रहेंगे, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए वो तुमसे पूछ लेता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, देखो जिनको नहीं पता है वो बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पूरे को मान सकते हैं हम x और इसको मान सकते हैं हम y। तो इसको बोल सकता हूँ मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x की जगह क्या रहेगा, a प्लस बी, और y की जगह क्या रहेगा, c। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी बनेगा। x की जगह मैं फिर से वैल्यू पुट कर दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, y की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा सी स्क्वायर, एक्स की जगह वैल्यू ए प्लस बी और बाई की जगह वैल्यू सी। इसको जो सॉर्ट आउट करोगे या सॉल्व आउट करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का सी स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई किया टू ए सी, सी का मल्टीप्लाई किया टू बी सी। तो फॉर्मूला बन गया यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और इन तीनों में से दो कॉमन ले लेता हूँ, जब दो कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आएगा अपना किसका, इसका। तो मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा अब मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का टू बी सी प्लस का टू सी। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात, अगर यहां से वो साइन चेंज कर देता है, साइन चेंज कैसे करेगा वो देखिए, वो कह देता तुमसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये नेगेटिव कौन है, b, तो ये तो स्क्वायर्स की फॉर्म में है तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। माइनस b है तो यहां माइनस का टू ए बी हो जाएगा, माइनस बी है तो यहाँ माइनस का टू बी सी हो जाएगा, और ये प्लस का टू सी है, ये फॉर्मेट बना। अगर वो माइनस बी की जगह सी को नेगेटिव कर देता है तो ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाले तीनों तो पॉजिटिव रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का टू ए बी प्लस का टू बी सी है। अब सी नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 2bc हो जाएगा, प्लस का 2ca, c नेगेटिव है तो माइनस का 2ca हो जाएगा। ठीक है, अब वो c की जगह अगर a को नेगेटिव कर देता है तो माइनस ए प्लस बी प्लस का c का होल स्क्वायर। तो ये तीनों पॉजिटिव रहेंगे स्क्वायर्स की फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। प्लस का 2ab है, a नेगेटिव है तो माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2bc है, b और c दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का 2bc हो जाएगा, और यहाँ पर a नेगेटिव है तो माइनस का 2ca हो जाएगा। ठीक है, वो इन दोनों को नेगेटिव भी कर सकता है कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a और b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी है, केवल a पॉजिटिव है तो माइनस का 2ab हो जाएगा, b और c का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2bc,
और सी और ए का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का टू सी है। बात आई समझ में? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का टू बी सी और माइनस का टू सी है। तो ये ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला ही फॉर्मेट है सेम बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं ए माइनस बी माइनस सी बराबर होता है माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी का होल स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का टू बी सी और माइनस का टू सी है, कैसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये साइन जो है वो चेंज होते रहेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें बेसिकली जो फॉर्मूला याद रखना है वो मेन फॉर्मूला ये वाला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है तीनों का वर्ग प्लस में दो गुणा में पहली गुणा दूसरी प्लस दो गुणा में दूसरी गुणा तीसरी प्लस दो गुणा में तीसरी गुणा पहली, ये फॉर्मेट बन के आता है, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ से आगे इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है वो फॉर्मेट समझिएगा। ये बेसिक फॉर्मेट था हमारा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है, ठीक है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े से यहाँ से चेंजमेंट होके आते हैं, हमें डिपेंड करता है हमारी आई क्यू लेवल क्या है, हमने किस लेवल से प्रैक्टिस की है एलजेब्रा की और हम किस लेवल से उसको डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। समझिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी होता है, ठीक है। यहां से मैं इसको चेंज कर सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर में रह जाएगा, टू कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। जब टू कॉमन लिया है तो मैं इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला होगा, एक फॉर्मेट ये बन के आएगा। दूसरा फॉर्मेट कि भाई यहां 2 अगर वो रखता है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से वो डिवाइड कर सकता है, क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पैटर्न पे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइड कर दिया कितने से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो बराबर में कितना बचेगा 2। बात आई समझ में? एक ये फॉर्मेट बन सकता है, वो हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड नहीं करें, केवल 2 से डिवाइड करें। तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसका फॉर्मूला बन के आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्लियर। अब एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि यहां पर उसने इस वाले पार्ट को इधर ट्रांसफॉर्म किया है या पक्षांतरण किया है, वो इस वाले पार्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है इधर, ठीक है। कैसे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इधर माइनस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ये वाला पार्ट जब इधर चेंज होके आएगा तो ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे और तीनों जब नेगेटिव होंगे तो तीनों में से मैंने माइनस 2 को कॉमन ले लिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा यहाँ पे और बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर दूसरा फॉर्मेट ये बन सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से वो डिवाइड कर दे तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे उसने डिवाइड कर दिया तो मैं कह सकता हूँ यह मल्टीप्लाई बाई 1 है। तो जब डिवाइड करेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में कितना रह जाएगा 1। ये फॉर्मेट्स थे इसके, इन फॉर्मेट्स पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें ये सारे फॉर्मेट्स आने चाहिए कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मेट कहाँ यूज हमें करना है, ठीक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमें एडवांस मैथ अगर समझनी है तो उसकी जो थ्योरी है वो हमें उंगलियों पे याद होनी चाहिए कि ये इस तरीके से चेंज कर सकते हैं हम, ये इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर तुम्हें थ्योरी याद है तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स बनेंगे कि हम क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, बाई वैल्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू अमेज करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये वैल्यू हो सकती है इसकी, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएंगे पीडीएफ के तो मैं वहाँ बात भी करूँगा कि इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इस क्वेश्चन की हो सकती है, वहाँ हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब वो सोच अगर हम, वो थिंकिंग अगर हमें डेवलप करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कम से कम स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए कि एलजेब्रा में कौन सा फॉर्मूला
कहाँ और किस तरीके से यूज करना है हमें। जब तक ये फॉर्मूले हमें याद नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन आगे नहीं कर पाएंगे। और इन फॉर्मूलों को तो हमें रटना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रटने से एलजेब्रा के फॉर्मूले कभी भी याद नहीं होते और रटंत विद्या फलंत नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ये स्टेबल होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस गेन होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने शॉर्ट मेथड्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे और क्वेश्चंस को उतना ही जल्दी क्रैक कर पाओगे। अब क्वेश्चंस जितना जल्दी क्रैक होगा उतना ही जल्दी तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, और जितना जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा उतनी ही जल्दी तुम्हारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो डिपेंड किस पे है? डिपेंड है कम से कम हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो एडवांस मैथमेटिक्स किसी के सिलेबस में नहीं है, राजस्थान पटवारी में एलजेब्रा नहीं आती है, लेकिन अगर नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे लास्ट टाइम अभी 2014 या 15 में जो 13-14-15 में जो एग्जाम हुआ था राजस्थान पटवारी का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले से दो क्वेश्चन पुटअप हुए थे। चलिए उसको छेड़िए, उसको छोड़िए, राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें a प्लस बी का होल क्यूब का डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप किया गया है। तो a प्लस बी का होल क्यूब जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम में एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है या फिर एलजेब्रा नहीं है या फिर ये फॉर्मूले यूज में नहीं होते हैं, उनके लिए मैंने बेसिक पैटर्न बता के सॉल्व किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। उस फॉर्मेट को कम से कम याद रखिए ताकि जहां कहीं कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं हो उस फॉर्मूले को हम डिस्क्राइब कर पाए, कम से कम वो क्वेश्चन हमारा क्रैक हो जाए, वो क्वेश्चन नहीं रहे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें आना जरूरी है। तो आगे की बात करता हूं मैं, तो ये थे हमारे स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले। आगे की बात देखिए, तुमसे पूछ लिया गया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो घातांक करणी एक टॉपिक है हमारा, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, जिन्होंने नहीं देखी है मैं बार बार हर वीडियो में यही जिक्र करता हूँ कि जो बेसिक पॉइंट बेसिक टॉपिक्स हैं हमारे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट पावर, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ये छः टॉपिक जो हैं इन पर किसी की अगर पकड़ मजबूत होती है तो वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है, हम क्वेश्चन क्रैक करने के पॉजिटिव चांसेस की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब अगर तुमसे पूछ लिया, मान के चलो तुम्हारे सिलेबस में एलजेब्रा नहीं है और a प्लस बी का होल क्यूब हमें नहीं आता है, तो कम से कम हमारे अंदर वो सामर्थ्य वो क्षमता होनी चाहिए जिससे हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकें। अब a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि भैया a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना होता है हमें कितनी बार, तीन बार। a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना होता है हमें तीन बार, तो a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई तुम तीन बार करोगे, तो बात चल रही थी a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी हम इससे निकाल सकते हैं इजीली, कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने अभी बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a प्लस बी का, तो a प्लस बी का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू ए ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर इंटू बी बी का क्यूब हो जाएगा। टू ए बी का मल्टीप्लाई ए से करूँगा तो टू ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और टू ए बी का मल्टीप्लाई बी से करूँगा तो टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं, जरूरी नहीं है तुम रटो उसको, रटने से कभी याद नहीं होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे याद होगा। तो ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b हो गया, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b, ये किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल क्यूब। बात आई समझ में? तो ये मुद्दा था हमारा, तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी का जो होल क्यूब बनेगा वो बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी।
बात ही समझ में। तो एक फॉर्मेट ये हो गया, प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी को इधर अगर मैं ला के सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, और बराबर में हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, केवल ये, ठीक है। तो a प्लस बी दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहां बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी जब मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से तो अंदर बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा। यहां से ये a प्लस बी हो जाएगा और यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसको मैंने ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और माइनस का कितना है 3ab, तो इक्वल में बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये बना a प्लस बी और ये रह जाएगा प्लस का 2ab और माइनस का 3ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बात आई समझ में? तो एक फॉर्मेट ये बनेगा। अब यहां से दो फॉर्मेट बन सकते हैं कि भाई अगर तुमसे पूछ लिया ए प्लस बी बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, एक फॉर्मेट ये बना, वो a प्लस बी से डिवाइड, वो ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ना डिवाइड करके ए प्लस बी से डिवाइड कर सकता है। तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए प्लस बी, ऐसे भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स आपस में चेंज होते रहते हैं, तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप जब तब याद हो जाएंगे। मेन फॉर्मेट एक ये रहेगा और ये वाला फॉर्मेट रहेगा, इसको ये दोनों फॉर्मेट्स तो हम इससे निकाल सकते हैं। बात आई समझ में? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो मैं एडवांस टॉपिक के हर टॉप एडवांस थ्योरी एडवांस मैथ्स के हर टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी कराई जाएगी तुम्हें, और वही थ्योरी मेन है, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया a माइनस बी का होल क्यूब, वही प्रोसेस रहेगा हमारा कि a माइनस बी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीन बार। भाई जिसको ये मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता तो वो एक एक करके मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इसके बाद में जो प्रोडक्ट बन के आएगा जो गुणनफल आएगा उसका मल्टीप्लाई a माइनस बी से करें, ठीक है। और ये बात सबको आनी चाहिए कि प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाता है हमारा, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है हमारा, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमारा, माइनस हो जाता है। प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए हमें। तो यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करता हूँ तो ये बनता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अभी पढ़ा था हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाता है, कितना हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा a माइनस बी का। तो एक एक करके जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, देखिए a का मल्टी ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब बन गया, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए स्क्वायर बी बन गया, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए बी स्क्वायर बन गया, और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी क्यूब बन गया, और माइनस टू ए बी का मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू ए स्क्वायर बी बन गया, और माइनस टू ए बी का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का टू ए बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। चलिए यह फॉर्मूला किसका बन के आया था हमारा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का टू ए स्क्वायर बी, तो माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी स्क्वायर तो प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करें, तो ये बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस का 3a² भी प्लस का 3ab² तो माइनस का 3ab कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3ab कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा b, a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, कितना बना a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी। अब वही फॉर्मेट यहां से चेंज हो सकते हैं भाई, चेंज क्या हो सकते हैं वो आगे देखिए। तो मैं सीधा लिख सकता हूं a माइनस बी का जो होल क्यूब बनेगा वो क्या बनेगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी, a³ माइनस b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये बन के आया। तो माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी को यदि मैं इधर लेके आता हूं तो ये पॉजिटिव बनेगा। कैसे बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और a माइनस बी, केवल ये वाला साइन चेंज होगा, अंदर वाला साइन चेंज मत कर देना, वो तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में। बराबर में बचेगा a³ माइनस b³ बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी का क्यूब और इंटू में a माइनस बी है भाई, इसमें प्लस के बाद में 3ab इंटू a माइनस बी है, तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और a माइनस बी जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कॉमन आने का मतलब होता है हम उस संख्या से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब a माइनस बी का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, तो a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी से ये डिवाइड हो सकती है दोनों संख्याएं, तो उसको बोलूंगा मैं a माइनस बी जो है वो कॉमन आ सकता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab बराबर में बनेगा a³ माइनस b³। सॉल्व करते हैं, तो ये बना a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab और प्लस का 3ab बराबर a³ माइनस b³। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी a² प्लस b² माइनस का 2ab और प्लस का 3ab तो ये बनेगा प्लस का ab बराबर होगा a³ माइनस b³। तो भैया ये फॉर्मूला बन के आ गया, अगर वो तुमसे पूछ ले a माइनस बी बराबर a³ माइनस b³ तो इस वाले से डिवाइड कर देंगे हम, a² प्लस b² प्लस का ab। अगर वो इस वाले से डिवाइड ना करे और इससे डिवाइड कर दे तो फॉर्मेट बन जाएगा a³ माइनस b³ अपॉन में a माइनस बी बराबर बन जाएगा a² प्लस b² प्लस का ab। इनमें से ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट इम्पोर्टेंट होता है, ये दो फॉर्मेट हम पिछले वाले की तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जैसा अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, उसके बाद में दो फॉर्मेट और बन के आए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर से बना था कितना 2 × a² प्लस b² एक फॉर्मेट बना था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा 4ab। वही फॉर्मेट यहाँ बन सकते हैं कि भाई हमने पढ़ा a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab या 3a² b प्लस 3ab² ये किसका था a प्लस बी का होल क्यूब। सेम कॉन्सेप्ट a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा हमने a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस का 3ab². अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब क्या रहा कि भैया इन दोनों को हमें जोड़ना है, अब जोड़ूंगा तो a³ और a³ ये हो जाएगा तुम्हारा 2a³ प्लस का b³ और माइनस का b³ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3a² b प्लस का और 3a² b माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3ab² और ये 3ab² दोनों पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 6ab². तो यहाँ से फॉर्मेट बन गया है अपने पास में a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, दोनों में से 2a कॉमन आ सकता है, 2a को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा a² और यहाँ बचेगा 3b², एक फॉर्मेट ये रहा, ठीक है। अब ये तो था तुम्हारा प्लस की फॉर्म में, वो माइनस की फॉर्म में भी पूछ सकता है, माइनस की फॉर्म में कैसे बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का, सॉरी होल स्क्वायर नहीं क्यूब में चल रहा है ये, a माइनस बी का होल क्यूब,
जब क्यूब में पूछ रहा है जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, ये प्लस हो जाएगा, तो बी क्यूब और बी क्यूब कितना हो जाएगा, 2b³। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ये सब प्लस कैसे हो गया, तो यार मैं इसको माइनस कर रहा हूँ और जब मैं माइनस करूंगा तो ब्रैकेट लगा के तो माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो ब्रैकेट लगा के तो माइनस करूंगा, जब माइनस करूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यूब और ए क्यूब, तो बी क्यूब और प्लस का बी क्यूब प्लस का 2b³ हो जाएगा, और 3a² भी प्लस का, और 3a² भी प्लस का, तो 6a² b प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3ab² और माइनस का 3ab² ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से जो बनेगा वो 2b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा b² और यहाँ बचेगा 3a², तो ये फॉर्मेट बना हमारा किसका, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो ये फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक बात हुई थी हमारी फॉर्मूले की, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, उनसे दो फॉर्मूले बने वो पढ़े, इसके बाद में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद में उनके साइंस सॉरी चिन्ह बदल सकते हैं, साइन बदल सकते हैं, वो चीज़ पढ़ी हमने कि किस तरीके से चिन्ह बदल सकता है और कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है, इसके बाद में a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा और a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, एक एक पार्ट को ईजिली कवर करते हुए चलिए, ज़्यादा कंटेंट एक साथ में नहीं दिया जाएगा, एक पार्ट ही हो गया और अप्रॉक्स 4 या 5 पार्ट में एलजेब्रा की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पोर्शंस थे हमारे, पहले इसको पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है, और आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे, इससे एलजेब्रा का पार्ट सेकंड रहेगा, अभी तो थ्योरी चल रही है, और क्वेश्चंस की जब हम बात करेंगे तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है 800 से 900 क्वेश्चंस होंगे, जब हम 800 और 900 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमें फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद होंगे और क्वेश्चंस करने की जो एफिशिएंसी होगी, हमारी स्पीड होगी वो हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आगे बात करूँगा कल, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।